तो गाइस वेलकम टू द एपिसोड 10 और डे 10 आप जो भी कह लीजिए। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, बहुत सारी एक्सरसाइज भी की मुझे लगता है, और मैं होपफुल हूँ कि आपने सारी एक्सरसाइजेस की होगी और करना भी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहले तो हम डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे, एक प्रॉपर तरीके की डिज़ाइनिंग, कि अगर हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, एक पेज डिज़ाइन करना है जिसमें हमें मार्जिन्स लग रहे हैं, जिसमें हमें पैडिंग्स लग रही है, तो वो कैसे किया जाएगा, पहला। दूसरा, हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज मेनी केसेस में हम डेटा पास करते हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है डेटा पास करने का, किसी भी अपडेट सिनारियो इज़ अ बेस जस्ट बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डेटा पासिंग बिटवीन द स्क्रीन्स एंड फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में यूज़र्स की एक टेबल है। अब अगर हमें यूज़र को अपडेट करना है तो वी विल गिव एन अपडेट बटन। ऑन दैट अपडेट बटन वी विल ओपन अनादर स्क्रीन। अब उस स्क्रीन में किस यूज़र को अपडेट करना है ये हमें पास करना होगा, राइट, आईडी। इन दिस केस, इन सच सिनारियोज, वी पास द आईडीज टू द स्क्रीन्स। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट बताता हूँ आपको। दिस इज़ माय आउट सिस्टम्स वेबसाइट, आउट सिस्टम डेवलपर स्कूल, ठीक है। ये दिस इज़ माय कोर्सेस स्क्रीन। अब मैंने इस कोर्स पे अगर क्लिक किया, बेसिक आउट सिस्टम्स, सो ये दूसरे पेज पे लेकर गया। अब ये पेज मैंने हर कोर्स के लिए अलग नहीं बनाया है, हर कोर्स के लिए पेज सेम है, विच इज़ पेज का नाम क्या, अगर आप यूआरएल फॉलो कर रहे हो तो, कोर्स डिटेल। अब किस कोर्स की डिटेल दिखाना है, वी विल हैव टू पास द नेम, टाइटल लर्न आउट सिस्टम बेसिक्स। अब इस टाइटल के बेस पे यहाँ पर क्वेरी चलेगी और वो अप्रोप्रिएट कोर्स की डिटेल निकाल के लाएगा और यहाँ दिखा देगा। You can buy this course on Udemy. I am not doing advertisement. Just मैं आपको example, यही open हुआ तो मैंने ये बता दिया। Similarly for event as well, similarly for blog, similarly for outsystem assignment. अगर मैं इस assignment को click करता हूँ तो यहाँ पर मुझे, मैं इस तरीके से pass कर रहा हूँ assignment का नाम, और इस नाम के basis पर वो उठा के ला रहा है, ठीक है। Similarly outsystems में अगर हमें ये सब कुछ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। हम क्या डिज़ाइन करेंगे, हम ये कॉन्टेक्ट पेज डिज़ाइन करेंगे। इफ़ यू सी, गेट इन टच होगा, फिर होम और गेट इन टच टुडे होगा, होम क्लिक पे होम पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके का इस सेम टू सेम पेज डिज़ाइन करेंगे। देन कॉन्टेक्ट अस टाइटल होगा, देन नेम, यूअर कॉन्टेक्ट, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज एंड कैप्चा। ये कैप्चा हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग एल्स, एंड सेंड मैसेज, दैट्स इट। सेंड पे क्या होता है वो नहीं होगा, बिकॉज हम सर्वर एक्शंस और सर्वर की डिटेल पे अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, राइट। चलिए डिज़ाइन करते हैं आउट सिस्टम्स में। सो लेट्स कम बैक टू आउट सिस्टम्स। मैं एक न्यू एप्लीकेशन बनाऊंगा इसके लिए, सो लेट मी प्रिपेयर द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। आई विल गिव नेम डिज़ाइन ट्यूटोरियल। ओके, ठीक है। इसका कुछ भी हम एक थीम कलर दे सकते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट क्रिएट द एप्लीकेशन। सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट अस पेज ही बनाएंगे। हमारा मेन मोटिव है कि उस पेज को डिज़ाइन कैसे करना है, और हूबहू सेम पेज डिज़ाइन करेंगे। घबराइए नहीं, इसको आप साथ में करने की कोशिश मत कीजिए। अभी आप पहले पूरा समझिए कि हम कैसे मार्जिन सेट कर रहे हैं, कैसे पैडिंग सेट कर रहे हैं, कैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, पहले पूरा समझिए। उसके बाद मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बनाई हुई, वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेट मी क्रिएट वन स्क्रीन एंड आई विल जस्ट गिव नेम। सबसे पहले तो होम स्क्रीन होगी, इंक्लूड इन मेन्यू, क्योंकि वो एक ब्रेड क्रम है, राइट, होम पे जाने का, तो इसको मैं होम नाम दे दूंगा। और दूसरी स्क्रीन होगी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। मैं इधर जाके, ये कॉन्टेक्ट अस के बीच में से वो हट गया है, राइट,
क्या बोलते हैं स्पेस, तो मैं यहाँ पर मेन्यू में उसको स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस दिखाएगा और ये जो स्क्रीन का नाम है उसको मैं कॉन्टेक्ट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्ट अस। हमको इनके बारे में भी बात करनी है राइट, कि ये सबसे पहले तो स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ और फिर मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़। इस लेक्चर के बाद में हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर के बाद का लेक्चर हम थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन उसको स्किप नहीं करना है राइट। हम कॉलेज में थ्योरी क्लास स्किप कर देते हैं, ये थोड़ा अच्छा लेक्चर होगा जो लेक्चर 11 होगा। ठीक है, लेट्स कम टू द कॉन्टेक्ट अस पेज। ओके, लेट्स हैव अ लुक कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो गेट इन टच टुडे, ये ब्रेड क्रम एरिया है, इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। अगर आप ब्लॉग में भी देखो ये ब्रेड क्रम है, आप आउटसोर्सिंग असाइनमेंट में देखो ये ब्रेड क्रम है। कॉन्टेक्ट में उसका कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं है, बट वो इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। ठीक है, सो गेट इन टच टुडे, सो हमें ब्रेड क्रम में सबसे पहले मुझे गेट इन टच टुडे डालना है। सो ये एक्सरसाइज के बाद में ना, इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद इसको भी करो, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को भी करो। सो यहाँ पर ब्रेडक्रम डालना है, आई विल गो टू विजेट ट्री, अंदर ब्रेडक्रम में मैं सबसे पहले तो एक कंटेनर डालूँगा। ठीक है, अब इसमें मुझे डालना है गेट इन टच टुडे, तो मैं एक और कंटेनर डालूँगा, जिस पहले कंटेनर में ये होगा, दूसरे कंटेनर में ये होगा, दैट्स इट। और दो कंटेनर डल जाएंगे, एक के नीचे एक, पहले कंटेनर में ये हुआ, दूसरे कंटेनर में ये हुआ। ठीक है, सो इसके अंदर मैंने इंसर्ट किया टेक्स्ट, उसको बोला गेट इन टच टुडे और एक्सक्लेमेटरी क्या बोलते हैं, गेट इन टच टुडे। ठीक है, सॉरी, अभी ये लेफ्ट में है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं इस कंटेनर पे स्टाइल डालूंगा, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को अलाइन करना है कंटेनर में राइट। कंटेनर की अगर आप देखोगे विड्थ, आप हाईलाइट करोगे कंटेनर को, तो ये 100% विड्थ लिया हुआ है। गेट इन टच ने अपनी जितनी विड्थ है उतनी ले ली है, तो मुझे इस गेट इन टच को इस कंटेनर के सेंटर में डालना है, तो जो CSS लगेगी वो कंटेनर पर लगेगी, ना कि इस टेक्स्ट में। सो अलाइन कंटेंट सेंटर, नो, इस पे लगा के देखते हैं। अलाइन कंटेंट सेंटर, इस पे भी नहीं चल रही, कुछ दूसरी लगाते हैं, कुछ दूसरी होगी, आई डोंट नो कि क्या है उसके लिए। सेंटर, एब्सोल्यूट सेंटर, ये भी नहीं काम कर रही, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो कि उसके लिए क्या है। अलाइन सेल्फ सेंटर, मैं आई एम नॉट अ UI डिज़ाइनर, तो थोड़ा CSS में मेरा हाथ तंग है, जितना ज़रूरत है उतना मैं कर लेता हूँ, जितना ज़रूरत पड़ता है उतना मैं, मुझे CSS पता है, बाकी जो कॉम्प्लेक्स CSS है वो मैं भी नहीं लगा पाता, उसके लिए एक CSS डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज एक वो एक अलग ही वो है, सेंटर कंटेंट आप सेंटर से सर्च करेंगे मिल जाएगी, ट्राई करके देख लो, सारी CSS अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 99% CSS आउट सिस्टम्स में अवेलेबल है। मैं अगर इसको वो करूँ, एक्सपेंड करूँ और मैं स्टाइल शीट एडिटर ओपन करूँ, सो अगर आप देखेंगे ये आउट सिस्टम्स UI CSS को इनहेरिट करना है, 12,000 लाइन की CSS है, इतनी सारी क्लासेस लगी हुई है, बहुत सारी है, जस्ट हमको ढूंढना है, लगाना है। 99% सिनारियो ये कवर कर लेगा, कुछ एक सिनारियो बचेंगे तो वो आप अपनी CSS लिख सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो राइट, तो जस्ट ढूंढना है। ठीक है, सिमिलरली मैं इसमें दो लिंक आएगी, एक तो होम आएगी, एक गेट इन टच टुडे, गेट इन टच टुडे टेक्स्ट है, होम जो है वो लिंक है। ठीक है, तो इंसर्ट, फर्स्ट तो लिंक होगी और इसके ऑन क्लिक पे हम कहाँ जा रहे हैं, होम स्क्रीन पे जा रहे हैं, और इस लिंक का टेक्स्ट होगा होम, और इसके बाद होगा लाइक दिस,
और इसके बाद होगी टेक्स्ट गेट इन टच टुडे, है ना। ठीक है, ठीक दिख रहा है। अब इसका कलर भी ब्लैक ही चाहिए हमको, तो हम स्टाइल क्लास में फॉन्ट कलर और टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट साइन डार्क, राइट, तो टेक्स्ट ब्लैक और टेक्स्ट डार्क और ब्लैक करके कुछ नहीं है, वाइट फॉन्ट बोल्ड तो फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट सेकेंडरी ये कौन सा कलर हो गया, प्राइमरी, ये लग भी रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। टेक्स्ट टेक्स्ट ग्रे टेक्स्ट ग्रीन, हाँ लग रहे हैं, लग रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट ब्लैक करके कुछ है कि नहीं, टेक्स्ट नेचुरल है, नेचुरल में तो वाइट आ जाता है, 1 2 3 टेक्स्ट नेचुरल 10 दिस इज दी, और डार्कर हटा देते हैं उसको, तो ये आई गेस थोड़ा सा ठीक हो गया है। टेक्स्ट नेचुरल क्लास है जो टेक्स्ट के कलर को ब्लैक करती है, ठीक है। नेचुरल कलर मतलब ब्लैक, न्यूट्रल, सॉरी नॉट नेचुरल, माय बैड, न्यूट्रल मतलब कोई कलर नहीं, सो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अभी इसको भी मुझे कंटेनर को कंटेंट को सेंटर करना होगा, सो मैं ये सेम क्लास यहाँ पर भी यूज़ कर लूँगा, और ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ही कंटेनर में डाल दूँगा, तो ये इस तरीके से अलाइन हो गया प्रॉपर। अब एक चीज़ देखिए, इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, मतलब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है, तो इसके लिए भी क्लास लगानी पड़ेगी। हम डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से भी इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, बट हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ये इनलाइन CSS नहीं लगाना चाहिए। तो ये दैट्स व्हाई आई सेड ना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये जो है ये लिंक है H1 टैग, अगर आप इसमें जाएंगे इंस्पेक्ट इलेवेंट करते हैं अपन, देखते हैं कि इसमें क्या CSS लगी हुई है। तो अगर आप इसको देखो तो ये H1 क्लास लगी हुई है, H1 लगा हुआ है, मतलब ये H1 बिहाइंड द स्क्रीन CSS में लिखा हुआ है कि H1 का फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, H1 की प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, तो मैं इसको भी H1 लगा सकता हूँ। सो सम H1 इट इज़ रिलेटेड टू टेक्स्ट, राइट, सो आपको टेक्स्ट से ही सर्च करना है या फिर फॉन्ट, दोनों में से एक चीज़ कुछ भी होगी। तो मैं पहले फॉन्ट से सर्च करता हूँ, फॉन्ट H ऐसा कुछ है नहीं, टेक्स्ट H ऐसा कुछ है नहीं, सीधे H सर्च करता हूँ, हेडिंग मिला मुझे, हेडिंग हाँ, हेडिंग वन हेडिंग टू मिल गया। हेडिंग वन इज़ H1, हेडिंग टू इज़ H2। सो इस तरीके से आपको थोड़ा हिंट ले लेके CSS ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा हो गया काम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप भी है टॉप पे, अभी देखो इसमें गैप नहीं है, थोड़ा सा पेडिंग होना चाहिए चारों तरफ से। तो पेडिंग मुझे किस में डालना है, पेडिंग मुझे इस कंटेनर में डालना है, मतलब इस कंटेनर के अंदर जो भी हो वो थोड़ी सी पेडिंग ले ले, पेडिंग मतलब कंटेनर के अंदर का स्पेस, मार्जिन मतलब कंटेनर के बाहर का स्पेस। तो मैं इसमें अगर क्लास लगा दूँ पेडिंग S, तो ये चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी ले लेगी। अगर मैं मुझे स्पेसिफिक टॉप या बॉटम लगाना है तो पेडिंग टॉप भी होगा, अगर मुझे लेफ़्ट लगाना हो तो पेडिंग लेफ़्ट भी होगा, मुझे राइट लगाना हो तो पेडिंग राइट भी होगा, मुझे लेफ़्ट राइट लगाना है तो पेडिंग एक्स हो जाएगा, एक्स मतलब एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट, मुझे टॉप और बॉटम लगाना हो तो पेडिंग वाई हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस, और टॉप भी हो जाएगा बॉटम भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे चारों तरफ से लगाना है तो मैंने पेडिंग लगा दी। अब मेरा टाइटल, मैं डायरेक्टली यहाँ टाइटल कॉन्टैक्ट अस लिख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। अभी मैं पब्लिश करके इतना देखता हूँ कि इतना किस तरीके से दिख रहा है। ओके लेट्स सी कि ये किस तरह से दिख रहा है। सो ओपन इन अ ब्राउज़र, ओके
Just wait. डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छा पार्ट है आउटसोर्स सिस्टम्स का. इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बहुत. सो दिस इज़ HOM होम. स्पेलिंग गलत है. कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे तो गेट इन टच टूडे. होम होम पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पे ले जाता है, विच इज़ फाइन. कॉन्टेक्ट अस इज़ लाइक दिस. सो हमारा बढ़िया चल रहा है फिलहाल. होम पे जाएंगे, होम की स्पेलिंग ठीक करेंगे सबसे पहले. नाउ कॉन्टेक्ट अस. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू बिल्ड. सबसे पहले तो हमको योर नेम एंड योर कॉन्टैक्ट. इसमें टाइटल नहीं है कहीं भी. सो मैं तो जैसा लिखा है वैसा करूँगा, सॉरी जैसा दिख रहा है वैसा करूँगा. आपको ना इसके ऊपर टाइटल भी डालना है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अब डिज़ाइनिंग की अप्रोच के बारे में बात कर. अभी तक तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते गए और करते गए डिज़ाइनिंग. ठीक है, अभी हम अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं. तो एज अ डेवलपर मैं क्या फॉलो करता हूँ, आई नो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो है, तो आई विल रिक्वायर 6 कंटेनर. सबसे पहले तो 1 कंटेनर विल बी ट्रीटेड एज 1 रो. तो मैं मुझे पता रहता है कि मुझे 6 कंटेनर चाहिए, लाइक दिस इंसर्ट कंटेनर. सो दिस विल बी रो 1. मैं इसको नाम भी देता हूँ रो 1. आई ऑलवेज गिव प्रॉपर नेम. दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एज वेल. अब इस रो 1 में 2 कॉलम है, तो आई विल रिक्वायर 2 मोर कंटेनर. 1 कंटेनर विल बी ट्रीटेड एज 1 कॉलम. सो दिस विल बी एंड आई विल गिव द नेम, प्रॉपर नेम. दिस इज नेम कंटेनर, कंटेनर नेम. एंड दिस इज कंटेनर सर नेम. सो ये मुझे भी समझ में आता है. अगर कोई दूसरा डेवलपर मेरा कोड देख रहा है तो उसको भी समझ में आता है कि ये, उसको जाके UI पे देखने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ पर एक एक करके जाके देखने की ज़रूरत नहीं है. उसको पता है ये रो 1 के अंदर कंटेनर नेम है, कंटेनर सर नेम है. अब इसके अंदर हम डालेंगे, सबसे पहला हमारा यूअर नेम जाएगा, दूसरा कॉन्टेक्ट जाएगा. ये कॉन्टेक्ट है मोबाइल नंबर. सो कंटेनर मोबाइल, नॉट सर नेम. ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले मैं इंसर्ट विजेट करूँगा टेक्स्ट इनपुट, और इसके अंदर भी एक इंसर्ट विजेट करूँगा टेक्स्ट इनपुट. ठीक है, सबसे पहले तो हमको इतने सारे वेरिएबल लगेंगे, तो हम वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले. सबसे पहला वेरिएबल है हमारा नेम, हम उसको बोलेंगे फुल नेम. दूसरा है मोबाइल. तीसरा है सब्जेक्ट. और ईमेल भी था, ईमेल हमने मिस कर दिया. तो यह है ईमेल. ऑटोमेटिकली उसने ईमेल ले लिया, राइट, क्योंकि उसको पता है कि यह ईमेल है. फिर है मैसेज, वो भी टेक्स्ट टाइप का ही होगा. और फिर है एंटर कैप्चा, उसको बोलेंगे कैप्चा. दैट्स इट. सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली विजिट ट्री पर पहुँच जाऊँगा. ये है मेरा नेम, फुल नेम, और यह है मेरा मोबाइल. ठीक है, यू सी वो नाम भी अपने आप चेंज कर रहा है ताकि IDs प्रॉपर बने. ठीक है, अब ये जो कंटेनर है मेरा, ये है 50% इसने विड्थ ली है, तो इसको मैं 50% विड्थ दे दूंगा 6 कॉलम. इसको भी मैं दे दूंगा 6 कॉलम. ऑटोमेटिकली उसने लेफ्ट मार्जिन ले लिया. अगर आप इस कंटेनर को देखो, यहाँ जाओ, तो उसने ऑटो लेफ्ट मार्जिन ले लिया है, क्योंकि उसको पता है कि इसके पहले एक और कंटेनर है, तो उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया अपने आप को. दैट्स इट. अब मुझे दूसरा बनाना है ईमेल, सो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा. ये मेरा दूसरा हो गया. अब इसमें मुझे थोड़ा इंटरनल एडजस्टमेंट करने होंगे और थोड़ा सा मार्जिन भी देना पड़ेगा, राइट. तो मैं सबसे पहले तो मार्जिन दूँगा टॉप, मार्जिन टॉप बेस. इट लुक्स गुड. ठीक है, ये रो 2 है. रो 2 में तो मेरे पास एक ही कॉलम है, एक ही कंटेनर है, विच इज़ कंटेनर ईमेल. तो मैं नाम चेंज करूँगा कंटेनर ईमेल. इसके अंदर जाऊँगा, ये मेरा ईमेल को बाइंड हो जाएगा. इसका नाम भी चेंज करूँगा इनपुट ईमेल. और ये जो इसकी विड्थ है इस कंटेनर की, 100% रहेगी. ठीक है, अभी हम एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं डाल रही. दिस इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डर. तो अगर मैं इस पर जाऊँ तो आप देख रहे हो एक प्रॉम्प्ट करके है, या आउट सिस्टम में प्रॉम्प्ट बोलते हैं. अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो,
उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, टेक्स्ट हिंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो इस प्रॉम्प्ट में दे देता हूँ फुल नेम, फुल नेम. मुझे इसको कोट्स में देना होगा. यह है मोबाइल नंबर. ठीक है, यह है ईमेल. दैट्स इट. नाउ सब्जेक्ट. सो फॉर सब्जेक्ट के लिए मैं सिमिलरली रो टू कॉपी करूँगा, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं बनाऊँगा रो थ्री. सो रो थ्री, इसके अंदर इसमें मार्जिन लगेगा, मार्जिन टॉप. सबसे पहले तो मार्जिन टॉप बेस, इसके अंदर एक आएगा इनपुट. मुझे पता है ना इनपुट है सब्जेक्ट, जो कि बाइंडेड होगा सब्जेक्ट से, और इसका प्रॉम्प्ट होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ठीक है, फिर होगा मैसेज. अब मैं इसको कॉपी करूँगा, नहीं इसको भी कॉपी नहीं करूँगा बिकॉज इसमें इनपुट नहीं डालेगा. तो हम फिर से एक कंटेनर डालते हैं जिसका नाम देंगे रो थ्री. इसकी स्टाइल क्लास भी रहेगी मार्जिन टॉप बेस, और इसमें होगा टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया बिकॉज टेक्स्ट एरिया क्योंकि ये एड्रेस है, राइट, मैसेज है सॉरी. तो आप देखो टेक्स्ट एरिया की हाइट थोड़ी बड़ी है. कितनी बड़ी है? टेक्स्ट लाइंस. अगर मैंने 5 लाइन देना है तो ये थोड़ी और बढ़ जाएगी. इट विल बी बाइंडेड विद मैसेज, और वो भी टेक्स्ट फील्ड की तरह ही काम करता है, बस उसमें रोज़ ज़्यादा होती है और मैक्सिमम लेंथ भी होती है. तो मैं मैक्सिमम लेंथ भी दे सकता हूँ कि 2000 कैरेक्टर तक डाल सके. और प्रॉम्प्ट में हो जाएगा मैसेज, देन हो जाएगा कैप्चा. तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा बिकॉज मेरा जो कैप्चा है, मैं रो वन को कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा. तो रो फाइव हो गया, और इसमें मार्जिन नहीं है तो मैं बोल दूँगा मार्जिन टॉप बेस. ठीक है, इसमें मेरा ये नहीं है, और कंटेनर कैप्चा है, और इसके अंदर जो इनपुट है वो कैप्चा से बाइंड है. और इसको मैं बोल दूंगा इसका प्रॉम्प्ट होगा कैप्चा. मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आई गेस. और ये इनपुट हो जाएगा कैप्चा. ठीक है, हो गया काम मेरा. अब मेरा सेंड मैसेज का बटन है. सो मेरी रो सिक्स होगी, वो होगी बटन रो सिक्स, जिसमें भी हमको मार्जिन देना है, मार्जिन टॉप बेस. और इसके अंदर आएगी एक बटन, और ये बटन को एक एक्शन से भी बाइंड करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं बटन को नेम दे दूंगा सेंड मैसेज, और ये बटन का नेम है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी मुझे देना पड़ेगा सेंड मैसेज. और इस बटन में एरर है क्योंकि बटन की ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हमने सेट नहीं की. टेस्ट इट. अभी हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ डिज़ाइन. हो गया मेरा डिज़ाइन, कुछ भी नहीं करना है. पहले देखते हैं कि किस तरह दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ चेंज करना है क्या. अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये आई होप कि ठीक होना चाहिए. बहुत बढ़िया है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है. अगर मैं 12 कॉलम में डिवाइड करूँ इसको, तो ये मुझे लग रहा है 7 कॉलम, 6 से थोड़ा ज़्यादा है. 6 यहाँ पर आ जाते हैं, ये 7 कॉलम, और इसने पूरे 12 कॉलम ले लिए. तो मुझे इसकी विड्थ घटानी है. तो मुझे किसकी विड्थ घटानी पड़ेगी? अगर आप मेन कंटेंट में जाए तो ये सारा मुझे इसकी विड्थ घटानी है, राइट. तो मैं क्या करूँगा, या तो इन सब की विड्थ सेट कर दूँ. इसकी भी विड्थ मैंने 7 कर दी, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7. एक तरीका ये है, लाइक दिस. अगर मैं इसकी जाऊँ स्टाइल क्लास में जाऊँ, फिल की जगह इसको मैं 7 कॉलम बोल दूँ, 6 कॉलम और एक में बढ़ा दूँ 7, तो भी मेरा काम हो गया.
एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इन सबको एक दूसरे कंटेनर में डाल दूँ, इनक्लोज इन अ कंटेनर, और इस कंटेनर का नाम क्या मैं दे दूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म, और इस कॉन्टेक्ट फॉर्म की विड्थ को मैं 7 कर दूँ, 7 कॉलम या 8 कॉलम, 8 कॉलम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब की हो गई, क्योंकि कॉन्टेक्ट फॉर्म की विड्थ है 8 कॉलम और उसके अंदर के जितने कंटेनर है उनकी विड्थ है 100%, तो 100% किसका, कॉन्टेक्ट फॉर्म का। ओके लेट्स सी, सॉरी गाइस, तो अभी अगर मैं देखूँ इसमें कॉन्टेक्ट, अब ठीक हो जाना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है, मतलब ठीक ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा एक गड़बड़ लग रही है कि इसका जो हाइट है थोड़ी ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, हमारे जो टेक्स्ट्स हैं उनकी हाइट कम है, तो अगर हम यहाँ जाके हाइट को देखें कि कुछ बढ़ाया जा सकता है क्या, तो जो हाइट है वो 40 है, हम इसको 50 कर सकते हैं, तो हमको इसको हम 50 कर देंगे तो काम हो जाएगा, इसको हार्ड कोड किया जा सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 50 हो जाएगा, तो थोड़ा मतलब ठीक दिखेगा, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ठीक दिखेगा, और जो हमारा बटन है, बटन का हाइट भी 50 है, बाय डिफ़ॉल्ट 40 है, हमारे बटन का हाइट 50 है, दैट्स इट। हमने इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म और उसकी विड्थ भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, डिज़ाइन कर लिया। अब आप खुद भी ट्राई कीजिए सेम टू सेम फॉर्म डिज़ाइन करने का, आप इसी पेज को outsystemdeveloperschool.com कॉन्टेक्ट पेज को रेफ़र कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि ये जो फुल नेम अपन ने हमने प्लेस होल्डर में दिया है, हमको ऊपर एक, हमको ऊपर देना है, जस्ट दैट्स इट, इसके ऊपर, इसके ऊपर एक लेबल होना चाहिए, तो ये एक एड ऑन होगा आपके लिए और एक सच में भी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड आई गेस, ठीक है, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इस एक्सरसाइज, इस पर्टिकुलर आपकी जो क्या बोलूँगा मैं कन्फ्यूज़ हो गया, इस पर्टिकुलर डे के जो हमने आज जो समझा उसकी एक्सरसाइज है यही कि आपको सेम टू सेम कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है और उसके ऊपर आपको यहाँ पर टाइटल देना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। सो आपकी पहली एक्सरसाइज तो यही है, बेसिक एक्सरसाइज यही है कि आपको ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर आपको टाइटल डालना है पहला। दूसरा, सेंड बटन के क्लिक पे, सेंड बटन के क्लिक पे आपको वैलिडेशन लगाना है कि फुल नेम फील होना चाहिए, मोबाइल नंबर फील होना चाहिए, ईमेल फील होना चाहिए, सब्जेक्ट, ऑल दिस फील्ड शुड बी फील्ड। अगर फील्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक मैसेज दिखाना है कि ये पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, ये पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, ठीक है, और आपको बकायदा नाम देना है कि फुल नेम इज़ मिसिंग, मोबाइल इज़ मिसिंग, सब्जेक्ट इज़ मिसिंग, ये आपकी एक्सरसाइज है। तो अभी इसको तुरंत कीजिए, अभी टाइम बचा है, गाइस हमने आधे घंटे का लेक्चर किया, आधा घंटा अभी बचा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज कीजिए, पूरा का पूरा डिज़ाइन अभी कीजिए, कल के ऊपर मत रखिए, और कल के वीडियो में हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे लगता था कि ये 10 मिनट में हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा इसने एक्सटेंड कर दिया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको हम आज कवर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा हचपच हो जाएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर नया लेक्चर करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।